हेलो जी, राम राम जी। और कैसे हो आप सब? और जी सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं देख लियो बनाने लग रही हूँ खाते का साग। मैंने पहला याद ना रही कि तुमने दिखा दी के ले आए थे। तो कल ये कितना जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें दिख गया चने का साग, मेथी और पालक और वो सरसों। तो ये ले आए थे कि अरे साग बना लिए, तो मका ठीक से बना लेंगे। तो ना तो मैंने काटती आना ध्यान करे ना लेती आना, तो मका ले आई बना लूँ। तो ये भाई मैं बनाऊँगी हरा साग। और न्यू बताइए भाई, किस किस ने हरा साग पसंद है? और बालक तो खाते कौन है? ये बालका की मारी हम भी ना बनावा के, हम तो अपनी तैयार बना लें बालका की तैयार, और कुछ बन जाएगा। तो मैं तो यही कहूँ। अग हाँ एक बात और, वीडियो देखने से पहले भाई वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं तो यही बात कहूँ, थोड़ी सी हो जाएगी मदद मेरी भी। और ये भी मैंने देख लिया दो धाकर ने कुकर में चढ़ा दिया है रसा कि इन्हें सीटी मरवा कर ना, और फिर इसमें आलन ला दूँगी और वो भी दिखाऊँगी मैं तुमने। ये सीटी लग गया पाछा दूँगी मैं आलन। और ये देख लो अरे साग में सीटी लगवा कर ना, और उन्हें थोड़ा सा रही तरह पड़कर फिर मैंने इसमें लगा दिया था आलन। अपने हरियाणा में तो आलन ही बोलते होंगे ना, और अरे साग ने बोलना खट्टे को साग। तो बताइयो भाई किस किस के अरे बोल रहे हैं कि खट्टे को साग। ईब तो वो बात से जैसा देश वैसा भेस, तो इसमारी सब हरिया साग बोलन लग गए। और मैं वो बात है पहले हरियाणा में नहीं कहा करते कि बनाया जी बोली खट्टे का साग। तो यो मारो खट्टे का साग देख ले गुटका हो गया ही तैयार। इसमें बस छोक लाना है और आलन लगा कर ना, मैंने इसमें चढ़ाई दिया था गैस पर थोड़ा रफड़ का। और आलन में तो उसका बाजरे का आटा और बेसन का आटा कुछ भी मिला सकते हैं ना दोनों में, चाहे बेसन का ला लो और चाहे उसका बाजरे के आटे का। लेकिन पहला बामा में तो बाजरे का आटा का ही लाया करते, और उनमें ला का आलन और हारी पर धर दिया करते, वो आप घुटे जाता रहे दे जाता और इसका स्वाद बने करता। आजकल उसा तो बनता भी कौन है जिसा हरे का साग का स्वाद हो उसा तो कुकर ना बनता ना, गैस पर भी ना बनता। ये तो सारा मसाले वगैरह का परामात हो जाए भाई। तो छोक लाऊंगी फिर हो जाएगा हमारा तैयार खट्टे का साग। जी ये लहसुन मिर्च सिलबट्टे पीस लिया करें, चटनी भी हम तो कभी देसी बनाया करें भाई सिलबट्टे पर पीस के मैं, और हरे साग में भी सिलबट्टे पर पीस कर लहसुन मिर्च जीत गिर करें। चलिए उसमें मिक्सी में बनाई और तो चटनी बढ़िया ना लगे, और कुंडी में पीस लें जी भी थोड़ा सा फर्क तो हो जाए। तो अपने हाथा का पीस लें लहसुन मिर्च और गिर लें, अपनी चटनी भी पीस जाए और तुम्हें बड़ी हुई दाऊ सिर पीस जाएगी जी भी गिर दूंगी अपने खट्टे के साग में। मिर्च और लहसुन का ही स्वाद होया करे सब्जी में तो, और तो क्या रफा होगा। पिसकी से लहसुन मिर्च अपना देसी खाना और देसी नाना, और सबसे बड़ा हरियाणा तो वह कहावत से हो गया मेरा खट्टे का साग का छोंक तैयार। और इतना गेर दूंगी मैं फिर देखियो खा कर ना करतम तो क्यों करता होगी हमें खा के बताओ ने किस लग गया। बचपन में जब मेरा दादा एक साखी सुनाया करता कि मक्के की रोटी और खट्टे का साग खा ले मेरी बेटी बड़ा स्वाद। तो आज वह साखी याद आ गई मेरे मकल्या सारी बाणा ने भी सुना दूँ।